वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से निकले हैं लॉकडाउन में मार्केट में देख लो कितना सन्नाटा छाया हुआ है, थोड़ा सा भी भीड़ नहीं है और गाड़ियां ही दिख रही है जो आ रहा है जा रहा है। बाकी जो पैदल चलने वाले हैं वो लोग बहुत ही कम दिख रहा है। सब फल वाला लोग वापस जा रहा है अपना गोदाम, क्योंकि यहाँ पास में ही जो है इन लोगों का गोदाम है बाजार समिति, सब कोई वहीं पे जाके अपना ठेला जमा करेगा और सब अपना अपना घर जाएगा, क्योंकि 2 बजे के बाद इन लोगों को भी बेचने का अलाउ नहीं है। यार इन लोगों को बेचने कम से कम अलाउ देना चाहिए, क्योंकि बेचारा गरीब क्या कमाएगा क्या खाएगा। ये सुबह से अगर निकला भी होगा 9-10 बजे या 6 बजे सुबह, तो इतना देर में ये क्या बेचा होगा। इन लोगों का सारा ठेला इन लोगों का भरा ही है, तो कम से कम इन लोगों को शाम तक 5 बजे तक मोहलत देना चाहिए। चलिए अब लोगों को देवघर में एक पहाड़ की तरफ ले चलते हैं, जो बहुत ही सुंदर पहाड़ है। देवघर का लड़का लोग वहाँ पे बहुत ही कम गया होगा, तो आज आप लोगों को वो दिखाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। नाम मुझे नहीं पता, लेकिन हम एक बार गए थे वो भी नाइट में, वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। बकरी देखे कैसे दौड़ गया, ये हल्का सा ठोक दो पूरा गांव वाला जुड़ जाएगा पैसा मांगने के लिए। दोनों साइड जो है जंगल है और उसके बीच से ये रास्ता है। अब यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट, वो जगह जाने के लिए यहाँ से थोड़ा सा ऑफ रोड मिलता है रास्ता। फाइनली यहाँ पे पहुँच गए जो पहाड़ आना था, और यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे का मेरा पूरा सीन। वहाँ आप दूर में देख सकते हो, उधर तपोवन पहाड़ है और वहाँ पे सोलर का काम किया गया है। और ये साइड में त्रिकुटी पर्वत है। आप पूरा यहाँ का सीन देख सकते हो कितना अच्छा ब्यूटीफुल सीन है। और यहाँ पे इस जगह पे माँ काली का पूजा होता है हर साल, और यहाँ पे आके लड़का लोग सब जो है पिकनिक पार्टी अपना यहाँ पे करता है। तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो, बहुत ही अच्छा जगह है। शाम के टाइम आओगे तो यहाँ बहुत ठंडा ठंडा हवा मिलेगा आपको, और अभी भी जैसे अभी हम फील कर रहे हैं बहुत ही ठंडा हवा चल रहा है, क्योंकि मौसम अचानक से आजकल देवघर में चेंज हो जा रहा है। सुबह कभी गर्मी कभी ठंडा कभी अचानक से बरसात, रात को तो यहाँ ठंडा ही लगने लगता है। आप पूरा सीन देख सकते हो, आप लोगों को सीन दिखाते हैं। आप पूरा सीन देख सकते हो कितना अच्छा सीन है। त्रिकुटी पहाड़ आप देख सकते हो, और इधर 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 ये पूरा खेत खलियान नदी तालाब सब कुछ यहाँ पे आपको, तपोवन पहाड़। और मौसम अब देखो बादल कैसे हो रहा है। यही वो पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मेरा घर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं एक बार बहुत दिन पहले रात को आया था, एक दोस्त मेरा लेके आया था, फिर मैं सोचा कि बाद में मैं यहाँ आऊँगा, और अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। चलिए आप लोगों को आगे दिखाते हैं। ये मेरा दोस्त मंगल, दिखाई है। ये मेरा दोस्त मंगल, ये यहाँ पे बहुत एक्साइटिंग होके आया, बोला कि भाई बहुत जगह पे ले चलो। और यहाँ पे देखो कितना लोग खाई है, मतलब 50 फीट गड्ढा होगा यहाँ पे। ठंडा हवा लेकिन बाहर आया यार, इसको भी अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मौसम बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम हो गया, अच्छा लग रहा है यहाँ। अब थोड़ा देर यहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे। तो बैठते हैं अब थोड़ा देर। देखो वो बादल और भी खूबसूरत लग रहा है, मज़ा आ गया यहाँ पे आके, मौसम भी चेंज हो रहा है। और इधर का बादल आप देखो, हवा चल रहा होगा, हवा का आवाज़ ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि यहाँ काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है। अब देख सकते हो मेरा बाल भी उड़ रहा है पूरा, और मंगल का भी बाल उड़ रहा है, पूरा उड़ रहा है, नीचे वाला उड़ रहा है, इसका नीचे वाला भी बाल उड़ रहा है। यहाँ बहुत ही तेज़ हवा चल रहा है, मज़ा आ गया यहाँ पे आके। चारों तरफ आप देख सकते हो सीन, पीछे वो बादल देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, और इधर तपोवन और
और इधर त्रिकुटी पर्वत, मज़ा आ गया। मौसम यहाँ मिनटों में बदल रहा है, फिर आप देखो कितना अच्छा ये बादल लग रहा है। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कहीं और। तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम, जय माता दी, जय वैद्यनाथ। सब कोई सेफ रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा मास्क लगा के रहें और 2 गज की दूरी रखें। हमेशा टाइम टू टाइम हैंड को सैनिटाइज करते रहें। बाय बाय।